मैं हूँ जयदी और आप देख रहे हो कॉफी विद मॉम। दोस्तों, हम अपना ख्याल तो फिर भी रख सकते हैं, लेकिन अपने फैमिली के हेल्थ को लेके हम हमेशा फिक्रमंद होते हैं, क्योंकि कैसे हम अपना डाइट कंट्रोल कर सकते हैं, खुद को हम फोर्स कर सकते हैं कि हमें रेगुलरली वर्कआउट करना है एंड ऑल, लेकिन अपने हस्बैंड से या अपनी बच्चों से ये कराना बहुत मुश्किल हो जाता है, राइट? तो इसीलिए मैं क्या करती हूँ, मैं बाद में छोटे 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 चेंजेस इन दोनों की लाइफ में, लाइक अपनी फैमिली के लाइफ में लाती रहती हूँ, ताकि यू नो एक बहुत ही ज़्यादा डिराइव्ड ना होकर भी एक हेल्दी लाइफ वो लोग जिए एंड यू नो उनके हेल्थ को जितना ज़्यादा हो सकता है मैं इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकूँ। तो उसी में से कुछ टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली। टोटल 10 टिप्स हैं जो कि बहुत ही ईजी हैं टू फॉलो, इसलिए आप अपनी फैमिली से बहुत ही आसानी से फॉलो करवा सकते हो। नंबर वन इज, सुबह उठते उठते जैसे आप सोकर उठते हो, 2 ग्लास पानी आपको पीना है। इससे क्या होता है, रात भर में जो टॉक्सिन्स बने हैं ना वो पूरा आपके बॉडी से फ्लश आउट हो जाएगा। इसलिए सुबह उठते उठते, इनफैक्ट अपना कॉफी चाय जो भी पीते हो उसके भी पहले आपको 2 ग्लास पानी पीना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट इज, जैसे आपका चाय वगैरह आपने पी लिया, जैसे सुबह कुछ लोग चाय पीना पसंद करते हैं, कुछ कॉफी पीना पसंद करते हैं, ये पीने के बाद आप 15 मिनट एटलीस्ट एक्सरसाइज जरूर करोगे। सिंपल एक्सरसाइज करो, जैसे अपने स्पॉट पे जॉग करो या फिर हाई नी जो अपन बोलते हैं वो करो या बट किक्स करो, 15 मिनट ज्यादा नहीं, ठीक है? अलग अलग एक्सरसाइजेस को आप मिक्स कर सकते हो, आप पुशअप्स करो, आप स्क्वैट्स करो, आप लंजेस करो, प्लैंक करो, ठीक है? जस्ट सूर्य नमस्कार कर लो 5-6, उतना ही बहुत हो जाएगा। और ये छोटी छोटी चीज़ों को करके ना, ताकि क्या आपका बॉडी जाग सके, आप तो जाग गए हो लेकिन अपने बॉडी को एकदम एक्टिवेट करने के लिए, रिचार्ज करने के लिए ये 15 मिनट ज़रूर दो। बाकी फिर पूरे टाइम आप, पूरे दिन में आपको टाइम मिले ना मिले, सुबह उठने के बाद ये बहुत ही अच्छा टाइम होता है, 15 मिनट इसमें अपने आपको दे दो। नॉर्मली लोग चाय कॉफ़ी के बाद वॉशरूम जाना पसंद करते हैं फ्रेशन अप होने के लिए, तो इनफैक्ट आप उसके बाद भी 15 मिनट सिर्फ अपने आप को दे दो, उतना ही काफ़ी है, ठीक है? दिन भर में आप जो भी खा रहे हो, दाल चावल रोटी, कुछ लोग बाहर का खाना खाते हैं, वॉट एवर यू आर ईटिंग, एटलीस्ट 2 सर्विंग, 1 से 2 सर्विंग फ्रेश फ्रूट्स का और फ्रेश वेजिटेबल्स का ज़रूर रखो। तो क्या होता है, आप नाश्ते के साथ जब सुबह नाश्ता कर रहे हो तो उसके साथ एक फ्रूट खा लो, आप जब लंच करने जा रहे हो लंच के पहले आप थोड़ा सा कुछ सैलड टाइप खा लो, जैसे खीरा हो गया, गाजर हो गया, टमाटर हो गया, ये सब थोड़ा सा कट करके, एक बोल ही सही लेकिन थोड़ा सा बस खा लो और उसके बाद अपना मेन खाना खाओ, ये भी आपको काफ़ी बेनिफिट करेगा। आप जस्ट इसे फॉलो कर देखो रेगुलरली। नेक्स्ट चीज़ जो कि बहुत ही सारे लोग बोलते हैं लेकिन स्टिल हम फॉलो नहीं करते हैं, खाना खाते वक्त टीवी बिल्कुल मत देखो। इसके बहुत सारे फायदे हैं, पहला तो ओवर ईटिंग नहीं होता, क्योंकि नॉर्मली हम टीवी देखते रहते हैं, खाते जा रहे हैं, हमारा पेट भर गया है लेकिन स्टिल हम खाते जा रहे हैं, बिकॉज टीवी देख रहे हैं, मज़ा आ रहा है तो हम खा रहे हैं, तो ओवर ईटिंग से आप बचते हो। दूसरा, आप उतनी देर एटलीस्ट अपनी आँखों को आराम देते हो, क्योंकि मोस्टली आप फ़ोन पे होते हो या कंप्यूटर पे काम कर रहे हो तो उतना स्क्रीन आपकी आँखों को जो इफेक्ट करता है, एटलीस्ट खाते वक्त आप उससे दूर हो तो वो आपको फायदा हो रहा है। तीसरा, आप अपनी फैमिली के साथ बैठ के उनके साथ टाइम स्पेंड कर सकते हो, विच इज अगेन अ वेरी बिग डील। तो एक ही आदत से आपको 3-4 और बहुत सारे फायदे हो सकते हैं, तो ये जरूर करो, ठीक है? नेक्स्ट इज 5वां जो होगा हमारा, सुबह का ब्रेकफास्ट स्किप मत करो। बहुत सारे लोगों को लगता है यार ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे तो हम पतले हो जाएंगे एंड ऑल, ऐसा कुछ नहीं होता। ब्रेकफास्ट दिन का सबसे अहम खाना होता है या सबसे अहम मील होता है। अब नॉर्मली लोग टाइम कुछ भी करें लेकिन सुबह उठने के बाद आप जो पहला खाना खाते हो दैट इज ब्रेकफास्ट, बिकॉज यू आर ब्रेकिंग योर फास्ट। अब उसमें लोग रोटी सब्जी भी खा लेते हैं, दैट इज टोटली फाइन, लेकिन कहोगे तो आप उसको ब्रेकफास्ट ही, राइट? क्योंकि उठने के बाद आपने अपना फास्ट तोड़ा है, वो पहला आपका खाना है। तो हमेशा हेल्दी और फीलिंग ब्रेकफास्ट होना चाहिए, ठीक है? अब इसमें ओट मील हो गया, ब्रेड ऑमलेट हो गया विथ फ्रूट्स ऑफकोर्स, ठीक है? और या फिर आपने कुछ पोहा, दलिया, उपमा, इस तरह का कुछ फिलिंग खाना खाना है, कुछ हेल्दी खाना खाना है विथ लॉट्स ऑफ फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, प्रोटीन्स, ये सबको मिलाकर आपको नाश्ता करना चाहिए। उसके बाद यू नो भले ही दोपहर का खाना है, शाम का खाने पर आप ध्यान ज़्यादा मत दो लेकिन सुबह के ब्रेकफास्ट पर बहुत ध्यान दो। नेक्स्ट इज प्रोबायोटिक्स का थोड़ा थोड़ा डोज आपको डेली लेना बहुत जरूरी है। लस्सी पी लो, छाछ पी लो। अब खाने के बाद में अभी हमारा कैसा है कि दोपहर को खाने के बाद एटलीस्ट 1 कटोरी दही या फिर लस्सी, ये सब पीना ही पीना है। पहले याकुल्ट वगैरह हम मंगा रहे थे बट बाद में हमें पता चला कि प्रोबायोटिक्स आपके नॉर्मल गाय के दूध का जो दही बनता है, ऑर्गेनिक दही, उसमें भी होता ही है। सो आप वो लेना शुरू करो, याकुल्ट पे पैसे बर्बाद करने की आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। तो आप घर पे ही ये सब लस्सी, छाछ, ये सब से आप प्रोबायोटिक्स का पूरा फायदा उठा सकते हो। आप बोलोगे प्रोबायोटिक्स क्यों, प्रोबायोटिक्स आपके गट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा, और गट हेल्थ को अगर आप लाइटली ले रहे हो तो लेट मी टेल यू, मैक्सिमम रिसर्चर्स जो होते हैं ये प्रूव कर चुके हैं कि एक इंसान, एक आम इंसान उतना ही हेल्दी होता है जितना उसका गट हेल्दी होता है। तो इसलिए अपने गट हेल्थ का बहुत ध्यान रखो और उसके लिए प्रोबायोटिक्स प्लीज ज्यादा से ज्यादा लो, ठीक है? नेक्स्ट इज 10 मिनट का वॉक
पोस्ट एवरी मील, लाइक आपने अभी खाना खाया, लाइक लंच किया या डिनर किया, उसके बाद तुरंत बैठ मत जाओ या टीवी मत देखने लगो या लेट मत जाओ, एटलीस्ट 10 मिनट आपके घर में ही वॉक कर लो आप 10 मिनट, नॉर्मली चलते चलते पानी पी रहे हो या हाथ पांव धो रहे हो, कुछ भी करके से नॉर्मल भी वॉक करोगे ना, वो भी आपके लिए बहुत होगा। खाने के बाद तुरंत बैठना नहीं चाहिए, ठीक है। एक ग्लास पानी हर खाने के 20 मिनट पहले, ओके ये थोड़ा उल्टा हो गया, पहले मुझे पानी बोलना चाहिए था फिर चलना बोलना चाहिए था, बट एनी विच वेज, सो जब भी आप खाना खाना है, अभी आपका लंच टाइम हुआ है, लंच टाइम के बस 20 मिनट पहले आपको एक ग्लास पानी पीना है, उसके 20 मिनट बाद आपको खाना खाना है, खाना खाने के तुरंत बाद आपको थोड़ा सा चलना है। चलने का मतलब दौड़ने की बात नहीं कर रही हूँ, ना ही मैं ब्रिस्क वॉकिंग की बात कर रही हूँ, मैं नॉर्मली धीरे धीरे टहलने की बात कर रही हूँ, जो कि आप अपने कमरे में, अपने बालकनी में, अपने गार्डन में कहीं भी कर सकते हो, ठीक है। नाइन्थ जो कि मुझे लगता है बहुत इंपॉर्टेंट है और लोग इसको बहुत ही इग्नोर करते हैं, आपका कुकिंग ऑयल। नॉर्मली लोग जो रिफाइंड ऑयल होता है उसमें खाना बनाना पसंद करते हैं या सरसों के तेल में खाना बनाना पसंद करते हैं, दोस्तों ये हेल्दी नहीं होता है, ट्रस्ट मी। आप इससे जो हेल्दी जो इसके अल्टरनेटिव्स हैं वो यूज़ करो, ऑलिव ऑयल हो गया, कोकोनट ऑयल या इनफैक्ट घी। हमारे दादी नानी के टाइम से आप देखते होंगे ना तो घी में खाने बनते थे, इनफैक्ट पूड़ियाँ भी घी में तली जाती थी, बिकॉज घी बहुत ही हेल्दी होता है। और अगर आपको लग रहा है यार घी तो इतना फैट होता है, नहीं, घी इज़ अ गुड फैट जो कि आपके बॉडी को नीडेड है, इसलिए प्लीज़ घी, कोकोनट ऑयल, ऑलिव ऑयल, इन सब में खाना ज़्यादा से ज़्यादा बनाओ। और जो रिफाइंड तेल वगैरह है वो मैं बिल्कुल हटाने को तो नहीं कह सकती हूँ, बिकॉज ऑफकोर्स आप पूड़ियाँ वगैरह अगर घी में तलने लगे तो बहुत खर्चा हो जाएगा, लेकिन उसको आप थोड़ा बहुत रिफाइंड में कर सकते हो, क्योंकि पूड़ियाँ वगैरह आप रेगुलरली नहीं खाते हो, हार्डली लाइक महीने में एक या दो बार, सो दैट इज़ फाइन, लेकिन बाकी का आपका जो डेली वाला खाना है वो हेल्दी अल्टरनेटिव और कुकिंग ऑयल में ही बनाओ। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, घर से वाइट शुगर को बिल्कुल ही हटा दो, चाहे वो लाइक वाइट शुगर का कोई प्रोडक्ट हो या प्रॉपर वाइट शुगर ही क्यों ना हो, जैसे कोल्ड ड्रिंक वगैरह होता है इसमें बहुत ज़्यादा वाइट शुगर होता है, प्रोसेस्ड फूड जो होता है इसमें भी, नाम पूरा आपको लिख के नहीं दिखाएंगे लेकिन इसमें सब में शुगर होता है, ताकि यू नो आपको टेस्ट अच्छा लगे, तो इन सबको आपको अपने लाइफ से, अपनी फैमिली के लाइफ से और अपने फैमिली के हेल्थ से एकदम हटा देना है। आप अगर खाने में जैसे चाय बना रहे हो, खीर बना रहे हो या कुछ भी मीठी चीज़ बना रहे हो, उनको मीठा करने के लिए आप गुड़ का इस्तेमाल कर सकते हो, नॉर्मली जैगरी पाउडर आता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो, आप ब्राउन शुगर का इस्तेमाल कर सकते हो, आपका खीर जो होता है वो थोड़ा ब्राउनिश दिखने लगेगा बट इट विल टेस्ट स्वीट, आपको स्वीटनेस से मतलब है, राइट, एंड वो थोड़ा गुड़ का फ्लेवर भी आएगा, वो तो बहुत अच्छा लगता है, ट्राई करके देखो। आपका जो नॉर्मल ड्रिंक्स वगैरह आप बना रहे हो, स्मूदीज वगैरह बना रहे हो, मिल्क शेक वगैरह बना रहे हो, उसको मिठास करने के लिए आप हनी यूज कर सकते हो, वाइट शुगर को बिल्कुल भी हटा देना है, ठीक है। बहुत ही सिंपल है एंड इसका टेस्ट आपको स्टार्टिंग में थोड़ा सा बियर्डो लगेगा, लेकिन धीरे धीरे यू विल गेट यूज्ड टू इट। बियर्डो क्या लगेगा, मीठा ही है लेकिन थोड़ा चाशनी टाइप लगेगा जब आप स्टार्टिंग में एक दो बार इसे लोगे तो, उसके बाद यू विल गेट यूज्ड टू इट, ट्रस्ट मी, ट्राई करके देखो। चलो तो ये था हमारा आज का वीडियो एंड ये सारे टिप्स को फॉलो करके आप डेफिनेटली अपनी फैमिली के हेल्थ को इम्प्रूव करने में पूरी तरह से यू नो एक स्टेप फॉरवर्ड जा सकते हो, इनफैक्ट कई स्टेप्स फॉरवर्ड जा सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग कॉफी विद मॉम, देखते रहिए कॉफी विद मॉम, हमारे वीडियोज़ को लाइक करना भूलिएगा मत और इसे शेयर करना मत भूलिएगा, ताकि बाकी लोग भी इससे फायदा उठा पाएं। हैव अ नाइस डे, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड बी अ पार्ट ऑफ कॉफी विद मॉम।